Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुहम्मद अबूबकर नईम। आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइपिकल वर्टिब्रा। हम चिकन के जो वर्टिब्रा है उनके बारे में पढ़ेंगे, एवियन वर्टिब्रा के बारे में। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज अ ग्रेट टाइप ऑफ बोन, टू वर्टिब्रा मेक्स अ कैनाल। ठीक है, इन ऑल वर्टिब्रा आर प्रेजेंट एंड इट्स नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंट नंबर हो सकते हैं वर्टिब्रा के। In humans, there are 4 vertebrae, and in avians and other tick-containing animals, there are 5 vertebrae are present. Okay? Cervical vertebra, thoracic vertebra, and lumbar vertebra, and sacrum vertebra, and coccygeal vertebra. Okay? Cervical vertebra, ये वाले vertebra, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ये देखिए, ये जो है, ये सीधे the bones head से आ रहे हैं। Thoracic, ये वाले, ठीक है, और numbers vertebra sacrum, ये sin sacrum होता है avians के अंदर, ठीक है, और coccygeal vertebra, ये tail के vertebra होते हैं। अब यहाँ से बता दूँ, ये cervical vertebra है, ये thoracic vertebra है, ये sin sacrum और number है। यहाँ पे इसको sacrum और number होता है, लेकिन humans के अंदर fused होता है, तो ये fused दोनों है, इसको sin sacrum कहते हैं। और ये जो है coccygeal vertebra है, तो इसे ये जो है वो tail के vertebra होते हैं। further इनका बढ़ता डिटेल से, अब cervical vertebra, cervical vertebra is present in the neck region, ठीक है, ये it is also known as atlas vertebra because it is attached with the atlanto-occipital joint which have a condyle which is known as occipital condyle। ये वाली जो condyle है, ये देखें जो head से आ रही है, इसको कहते हैं, ठीक है, ये देखें, ये जो condyle है इसे कहते हैं occipital condyle। और इसके साथ ये joint होती है, तो इसे जो है जो joint यहाँ बनता है उसको atlanto-occipital joint कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अटलस जॉइंट भी, अटलस वर्टिब्रा भी कहते हैं। सो विद विच फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज अटैच, अब इस जो ऑसिपिटल कंडाइल है इसके साथ जो पहला सर्विकल वर्टिब्रा है वो अटैच होता है, ठीक है। द कॉर्डल साइड ऑफ ऑसिपिटल कंडाइल इज कन्वेक्स इन शेप, जो ऑसिपिटल साइड की जो कॉर्डल साइड है, कॉर्डल साइड बैक साइड में, तो इसकी जो ये वाली साइड होगी लाइक दैट, ये देखें, अब ये जो है ये वाली साइड नीचे वाली, ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये कन्वेक्स है, और जो सर्विकल की होगी वो कनकेव होगी, तो आपस में ये जुड़ेंगे, देन ये आर्टिकुलेट हो जाएंगे। अच्छा, इन शार्प एंड इन शेप एंड द क्रेनियल साइड ऑफ द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कनकेव, वही मैंने बात की, जो ऑसिपिटल कंडाइल है वो कन्वेक्स होगा और जो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है वो ऐसे कनकेव होगा, तो ये आपस में जुड़ के यहाँ पे आर्टिकुलेट हो जाएंगे और ये जो है वो अटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट बना देंगे, ठीक है। So, अब थ्रेसिक वर्टिब्रा, थ्रेसिक वर्टिब्रा इज प्रेजेंट इन द थ्रेसिक कैविटी, दिस इज, ठीक है, इट इज द सेकंड वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, पहला सर्विकल था, दूसरा थ्रेसिक वर्टिब्रा है। सो फर्स्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा ज्वाइन विद द लास्ट सर्विकल वर्टिब्रा, जो लास्ट सर्विकल वर्टिब्रा वो ज्वाइन है फर्स्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा के साथ, ठीक है, और फर्स्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा क्रेनियल साइड इज कनकेव, जो अब ये जो है थ्रेसिक वर्टिब्रा का जो फर्स्ट है उसका जो क्रेनियल साइड है आगे वाली साइड वो कनकेव है इस तरह, और जो है सर्विकल वर्टिब्रा जो लास्ट वाला वर्टिब्रा है उसकी जो कॉर्डल साइड है वो कन्वेक्स है, तो ये भी इसी तरह आपस में ज्वाइन होंगे और यहाँ पे मिलके वर्टिब्रा बना देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो लंबर है और सैक्रम है। लंबर वर्टिब्रा इज थर्ड vertebra of the vertebral column which is present in the abdominal cavity, yahan pe first lumbar vertebra is joined with the last thoracic vertebra, usi tarah same, theek hai, sacrum is the fourth vertebra of vertebral column which is present in the pelvic cavity, and first sacrum vertebra is joined with the last lumbar vertebra। hamare andar jo lumbar aur sacrum alag alag hote hain, jabki jo avian hai, in case of avian lumbar and sacrum fuse with each other, ye aapas mein fuse hue hote hain, ye dekhen yahan pe jo hai ये इसका फ्यूज हुआ है, और इसको कहते हैं सिन सैक्रम, ठीक है, सिन सैक्रम। सो व्हाइल इन मैमल्स इट इज सेपरेटेड मींस नॉट फ्यूज विद ईच अदर, ठीक है। उसके बाद कोक्सीजल वर्टिब्रा, ये आपकी वर्टिब्रा है, और ठीक है, ये टेल का वर्टिब्रा है। कोक्सीजल वर्टिब्रा इज द फिफ्थ एंड लास्ट वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इट इज प्रेजेंट इन टेल, इट इज ओनली इन एवियंस एंड दोज एनिमल्स हु हैव टेल, ये एवियंस के अंदर होता है और उन एनिमल्स के अंदर जिनकी टेल है, ह्यूमंस के अंदर नहीं होता क्योंकि हमारी जो टेल नहीं होती। सो ये जब उनके अंदर जिनकी टेल है उसका ये वर्टिब्रा, ये कॉक्सीजल वर्टिब्रा, पांचवा वर्टिब्रा, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स हम थोड़े से देख लें टाइपिकल वर्टिब्रा के, तो इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, उसको फोरामिना प्रोसेस होता है, बॉडी और शैफ्ट होता है, ठीक है। सो दीज आर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा, सब के अंदर ये तमाम कैरेक्टर मौजूद होते हैं, बट टोटली डिफरेंट इन शेप, ठीक है, शेप जो है वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। स्पाइनस प्रोसेस जो है, स्पाइनस प्रोसेस इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द डोर्सल एंड ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है। अब जो इसका डोर्सल एंड है, डोर्सल एंड कौन सा, ये वाला जो एंड है ऊपर वाला, इसको कहते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस होता है। और एज द नेम इंडिकेट दैट इज दैट हैज अ स्पाइन प्रोमिनेंट लाइन, तो एक नाम से शो हो रहा है कि ये एक लाइन है, स्पाइन है दो बोन्स के दरमियान, ये देखें अब जिस तरह ये ऊपर दो बोन्स के दरमियान ये लाइन आ रही, तो ये है स्पाइन, ठीक है। सो दैट इज डोर्सल साइड ऑफ वर्टिब्रा, ओके। ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है वो है एट द राइट एंगल ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, अब इसी के जो राइट एंगल है उसके जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है स्पाइनस के। देयर आर टू प्रोसेस आर प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोरामिना प्रोसेस है एट द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस, देयर इज अ होल इज प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज द फोरामिना प्रोसेस, ठीक है। अब जो है इसके जो है ये देखें, इसके जो नीचे वाला है वेंट्रल साइड है, इसके यहाँ पे एक होल है, ठीक है, ये जो है ये फोरामिना प्रोसेस है, और दी होल्स में एक कैनाल, ये एक कैनाल बनाता है आगे से आगे, और द होल ऑफ वन वर्टिब्रा व्हेन जॉइन विद द होल ऑफ द अदर वर्टिब्रा मेक्स द कैनाल, एक दूसरे के होल के साथ मिलकर तो है वो एक कैनाल बनती है। और उसके बाद जो है बॉडी एंड शैफ्ट एट द वेंट्रल साइड ऑफ द फोरामिना, देयर इज अ शैफ्ट इज प्रेजेंट, और वेंट्रल एंड जो होता है उस पे हमारी जो है वो एक शैफ्ट यानी कि बॉडी नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं बॉडी या शैफ्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रा, एवियन वर्टिब्रा, हमने बड़ी डिटेल से बताया है, फर्स्ट जो है ये सर्विकल वर्टिब्रा है, फिर थोरैसिक आता है, फिर लंबर और सैक्रम, ह्यूमंस के अंदर लंबर और सैक्रम फ्यूज नहीं होते, सेपरेट होते हैं, लेकिन एवियंस के अंदर जो है फ्यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिन सैक्रम, और एंड वाला जो होता है वो टेल वाला होता है, ऑक्सीजन वो सिर्फ जिनके अंदर टेल होती है बर्ड या एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर ऑक्सीजन वर्टिब्रा मौजूद होते हैं। सो दिस इज दी ऑल अबाउट वर्टिब्रा, आई होप कि आप अच्छे से जो है वो वर्टिब्रा के बारे में समझ आ गई होगी। सो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।